खबर है। मिर्जापुर से जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आज थाना संतनगर अंतर्गत मोटरसाइकिल दुर्घटना में चार लोगों की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए जनपद वासियों से अपील की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट हेलमेट अवश्य लगाएं। थाना संतनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोइया के पास मोटरसाइकिल संख्या UP 63 AR 0527 पर सवार चार युवक सुमेश पुत्र रविपाल उम्र करीब 15 वर्ष, अंकित मिश्रा पुत्र बद्री प्रसाद मिश्रा उम्र करीब 16 वर्ष, निवासीगढ़ पटेरा कला थाना संतनगर जनपद मिर्जापुर, तीसरा अर्पित पांडे पुत्र राधे श्याम पांडे उम्र करीब 16 वर्ष निवासी रजबपुरा रेक्सा थाना संतनगर, चौथा गणेश पुत्र हरिहर यादव उम्र करीब 17 वर्ष निवासी बहर छठ थाना संतनगर जो बारात से वापस आ रहे थे, पीठ लदा ट्रैक्टर पंचर होने के कारण सड़क के किनारे खड़ा था जिसमें पीछे से जाकर टकरा गए। इस दौरान चारों मोटरसाइकिल सवार युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस उच्च अधिकारी व थाना संतनगर पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक उपरोक्त चारों युवकों के शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधि कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरज कुमार। आज मिर्जापुर जनपद में थाना संतनगर अंतर्गत ग्राम गोरिया में के चार बच्चे जो 15 से 16 साल की उम्र के बीच थे, वे एक मोटरसाइकिल पे ट्रैवल कर रहे थे और जा रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। इसी के क्रम में एक सड़क दुर्घटना हुई और चारों बच्चों का निधन हो गया। ये अत्यंत दुखद घटना है और मेरी ओर से पीड़ित परिवारों को बहुत बहुत संवेदना व्यक्त की जा रही है। परंतु मैं साथ में ये ज़रूर सभी जनपदवासियों से अपील करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बिना हेलमेट के इस तरह से तीन तीन चार चार लोगों को बाइक पे सवार न होने दें। इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक पूरा परिवार बिखर जाता है, हम लोग प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर पाता। यदि बाइक पे कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो हेलमेट अवश्य लगाए, इसी में हमारी जान बचने की संभावना रहती है। और सब लोग ट्रैफिक नियमों का अवश्य पालन करें, क्योंकि इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं में जब ये इस तरह से अकाल मृत्यु होती है तो कोई भी इसको बचा नहीं पाता है और बहुत ही ये हृदय विदारक घटनाएं होती हैं। तो सभी जनपदवासियों से पुनः अपील है कि सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सब एक दूसरे की जान बचाने में सहयोग करें।